हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। मेरे चैनल डॉक्टर वर्मा PISNS में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी आपकी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिसमें आप लोग अपना ध्यान रखना भूल ही गए हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिससे कि आप अपने डॉक्टर अपने आप बन सकेंगे और इन नुस्खों को अपनाकर आप लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे तो आप लोगों ने खुली हवा में सांस ली है। सबसे बढ़िया बात, आप लोगों को हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे दवाइयों के लिए, बीमारियों के लिए दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये दवाइयां आपके लीवर पर, किडनी पर असर डालती ही हैं। तो आज मैं आप लोगों को घर के मसाले जो कि आपकी रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, ऐसे चार मसालों के नाम बताऊंगी जिससे आप लोगों की छोटी समस्या दिख रही है लेकिन वो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, उनका इलाज करना बताऊंगी और वो कैसे सिर्फ चार मसालों की सहायता से। अब वो चार मसाले कौन से हैं ये जानेंगे और उनका प्रयोग कैसे करना है ये भी जानेंगे। आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इन चार चीजों के इस्तेमाल से आप लोगों को कितना फायदा हुआ है और आप लोगों की कितनी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। यदि आप लोगों को बैठने में या बैठकर उठने में दर्द होता है, आप लोगों से आलती पालती मारकर नहीं बैठा जाता है, यानी कि पैरों को मोड़कर बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है, आपकी मसल्स में यानी कि जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या जब आप चलते हैं तो घुटनों में से कटकट की आवाज़ आती है, या फिर आप लोगों का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, या आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, या फिर आप जरूरत से ज़्यादा मोटे हो गए हैं यानी कि आपका पेट बाहर निकल चुका है, या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मीठा मीठा सा दर्द होता है, या पिंडलियों में दर्द होता है, तब आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को इसका समाधान बताऊंगी और इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीजिए काली मिर्च, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको लेनी है मेथी यानी कि मेथी दाना, फेन्युग्रीक सीड। तीसरी चीज लेनी है आपको हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है आपको? जो मोटी गांठ वाली हल्दी आती है यानी कि साबुत हल्दी। और चौथी चीज क्या लेनी है आपको? सौंठ। अब ये चारों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये चारों चीजें आप लोगों को पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। अब ये चारों ही चीजें क्यों लेनी है और कितनी कितनी मात्रा में लेनी है वो देखिए। देखिए जो हल्दी, मेथी और सौंठ है वो आपको बराबर बराबर मात्रा में लेनी है, यानी कि हल्दी, मेथी और सौंठ आपको 50-50 ग्राम लेनी है और ये टोटल कितनी हो गई? 150 ग्राम। अब इस 150 ग्राम में आपको 10 ग्राम साबुत जो काली मिर्च है वो मिलानी है और वो पीस लेनी है, पाउडर नहीं लेना है। दूसरी चीज ये है, आप लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि जो दर्द है आपका, जो परेशानी है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा पिसी हुई हल्दी का प्रयोग करते हैं। आपको पिसी हुई हल्दी का प्रयोग ना करके साबुत हल्दी मार्केट से लेकर के आनी है और फिर उसका पाउडर बनाना है। अब आप कहेंगे कि इसका पाउडर नहीं बनता है, देखिए आप इसको 3 से 4 दिन साबुत हल्दी को पानी में भिगोकर रखिए और जब 3 से 4 दिन हो जाएं तब इसको मिक्सी में पीस लीजिए, ये बहुत ही आराम से पिस जाएगी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को मिक्स करके पाउडर बना करके रख लें
और चौथी चीज इसमें काले मिर्च मिला लें, और जब काले मिर्च मिला लें तब इसको किसी भी कांच के बर्तन में भर करके रखें, ठीक है। और आपको अब इसे लेना कैसे है, इसे आप लोगों को लेना है दो चुटकी खाना खाने के बाद, इस पाउडर की दो चुटकी लेनी है खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से या फिर नॉर्मल दूध से, ठीक है। दूध में आप देखिए गर्मियां हैं इसलिए दूध में आप मिश्री मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, गुड़ या शक्कर का प्रयोग ना करें। और उसी तरह इसका प्रयोग करना है रात के समय, रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ आप इसकी दो चुटकी ले लें तो आपका जो दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप लोग परेशान हैं पैरों के दर्द से या फिर वेरिकोज वेंस की परेशानी से तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ये परेशानियाँ, और आप लोगों को पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी कि एक तो आपको पानी बहुत सारा पीना होगा, बहुत सारा पानी पीना होगा, दूसरी चीज़ बैठकर पानी पीना होगा। और यदि आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है यानी कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वो भी धीरे धीरे करके गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि काले मिर्च में भोजन को पचाने वाले पाचक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है मेथी दाना। मेथी दाने में वात को, शरीर में जो वात बन गई है, गैस बन गई है, बाई बन गई है, उसको खत्म करने की क्षमता होती है। तीसरी चीज है हल्दी, साबुत हल्दी। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं यानी कि शरीर में जो कोई भी खराब हानिकारक तत्व हैं उन्हें हल्दी की सहायता से खत्म किया जा सकता है। और चौथी चीज है सौंठ यानी कि सूखी अदरक। इसकी सहायता से शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, घुटनों में जो इन्फ्लेमेशन सूजन आई हुई है, उसको खत्म किया जा सकता है। इसका प्रयोग आप 3 महीने लगातार कीजिए और फिर इसे छोड़ दीजिए, फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, आपको 15 ही दिन में इसके रिजल्ट दिखाई दे जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।